तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त रोहित लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। दोस्तों आज की ये वीडियो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन के बारे में। वैसे दोस्तों हम सिंघम और सिंघम रिटर्न्स को नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल किया ही है, लेकिन साथ ही साथ फैंस के दिलों में राज भी किया है, जिसके चलते आज भी इन फिल्मों के हर सीन को मिस किया जाता है। इन दिनों इस मूवी की जो फ्रेंचाइजी है उसके तीसरे पार्ट यानी कि सिंघम अगेन को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं। कभी कभी तो फिल्म की शूटिंग से लेकर फेक न्यूज भी सामने आती रहती है कि हाँ सिंघम अगेन की शूटिंग चालू हो गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी की अपकमिंग ये जो मूवी है सिंघम अगेन, उसको लेकर एक खबर सामने आई है। वो खबर ये है कि इस मूवी में यानी कि सिंघम अगेन में एक बॉलीवुड एक्टर की एंट्री होने वाली है। तो आप जानते हैं कि आगे अजय देवगन स्टारर इस मूवी में आखिर किसकी एंट्री होने वाली है। रोहित शेट्टी एक्टर विकी कौशल को इस फिल्म में एक कॉप के तौर पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर बात करूं मैं इस फिल्म में विकी कौशल के कैरेक्टर को, तो दोस्तों रोहित शेट्टी इस मूवी में विकी कौशल को एक प्रॉपर कैरेक्टर देना चाहते हैं। और फिर दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें उनका साथ देने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह। इस मूवी में रणवीर सिंह का जो किरदार होगा वो ओवर द टॉप कैरेक्टर होगा, यानी कि इस मूवी में हमें रणवीर सिंह का कुछ एक अलग ही जो अंदाज है वो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस बात से तो ये लग रहा है कि आखिरकार इस मूवी में सिंघम अगेन में ये दोनों एक्टर साथ काम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी रोहित शेट्टी की इस मूवी में बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार हैं जो काम करने वाले हैं। मेनली जो इसके मेन रोल में नजर आने वाले हैं वो हैं अजय देवगन, साथ ही साथ उनके साथ दीपिका पादुकोण हो सकता है इस मूवी में नजर आ सकती हैं। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस मूवी में हमें एक बार फिर से करीना कपूर और फिर साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस मूवी में हमें करीना कपूर भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये तो थी सिंघम अगेन की एक ऑप्शनल स्टार जिसमें हम अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ अक्षय कुमार, रणवीर कपूर और साथ ही साथ विकी कौशल का तो नाम ले रहे हैं। लेकिन अभी तक मेकर्स की ओर से अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सिंघम अगेन पर जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये रोहित शेट्टी की तरफ से एक हिंट भर ही फैंस के लिए थी कि हाँ हम फिर से सिंघम के उसी लुक को आपके सामने 2024 या 2025 तक रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये फैंस के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। साथ ही साथ बात करूं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो अभी तक मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज डेट के लिए नहीं किया है। लेकिन फिर भी इस मूवी से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएंगी मैं आपको वो शेयर करते रहूंगा। इसलिए ही आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा।